दोस्तों जनरली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो लैब्स होते हैं, इन जगहों पे बेसिकली क्या होता है कि हमें जीरो टीडीएस का वाटर चाहिए। उसमें यूजर जो कस्टमर होता है वो कंफ्यूज होता है कि हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन सा ट्रीटमेंट लगाना चाहिए, वाटर को कैसे ट्रीट करें कि जो टीडीएस है उसका वो जीरो आए, जिससे उस पानी को यूज करके लैब में टेस्टिंग में लिया जा सके या तो हॉस्पिटल्स में यूज किया जा सके या मेडिसिन जो दवाएं जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनमें उस वाटर का यूज किया जा सके। हमने बीइंग नेटसॉल वाटर हमने इस तरह के कई सारे प्लांट लगाए हैं, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्लांट जो हमने लगाया है उसकी प्रोसेस फ्लो डायग्राम है जिसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। इसमें क्या है कि इस प्लांट को हमने जुबिलेंट लाइफ साइंसेस में लगाया है, तो ये सेम ही प्लांट लगा है और ये सेम प्लांट वर्क कर रहा है। तो ये क्या है कि प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आपको जीरो टीडीएस का वाटर मिल रहा है। ये जो प्लांट है इसको तीन प्लांट इसमें लगे हुए हैं जीरो टीडीएस लाने के लिए, जिससे वाटर को यूज किया जा सके। पहले ये आरओ लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डीएम प्लांट लगा हुआ है और उसके बाद ये मिक्स्ड बेड प्लांट लगा हुआ है। अब आरओ में क्या है कि डुअल मीडिया फिल्टर, देन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, देन माइक्रोन फिल्टर और यहाँ हाई प्रेशर पंप से ये वाटर जो है मेम्ब्रेन से पास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन से पास किया जा रहा है और जो रोटामीटर्स है ये इसकी कैपेसिटी को बता रहे हैं कि कितना वाटर जो है रिजेक्ट में जा रहा है और कितना वाटर जो है यहाँ पे परमिएट वाटर है, ट्रीटेड वाटर है। उसके साथ साथ यहाँ पे पीएच मीटर है और कंडक्टिविटी मीटर है जो कि पीएच को और कंडक्टिविटी को दिखा रहे हैं। अब क्या है कि ये जो परमिएट वाटर की लाइन है इसको ले जाके हमने फिर एक कलेक्शन टैंक में इसको स्टोर कर लिया। आरओ वाटर का जो ट्रीटेड वाटर है इसको हमने यहाँ पे स्टोर किया है, देख सकते हैं, और जो रिजेक्टेड वाटर है ये रिजेक्टेड लाइन में चला गया। अब जो परमिएट वाटर है यहाँ पे हमने फिर फिल्टर फीड पंप लगा के यहाँ से डीएम वाटर का प्रोसेस शुरू हो गया। अभी यहाँ तक जो प्रोसेस था वो कॉमर्शियल आरओ प्लांट का प्रोसेस था, जिसमें हमें 100 या 150 के करीब टीडीएस दिया। हम एज्यूम करते हैं जनरली इतना ही आया है यहाँ पे टीडीएस। अब उसके बाद यहाँ से हम टीडीएस को और सेकेंड स्टेज में हम रिमूव कर रहे हैं, टीडीएस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे SAC स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटायन और ये है SBA स्ट्रॉन्ग बेसिक अनायन। अब क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन क्या होता है, इससे क्या है हम जो इम्प्यूरिटी जो है वाटर की जो पॉजिटिव इम्प्यूरिटीज हैं, वाटर में दो ही तरह की इम्प्यूरिटीज होती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब क्या है कि इसको हम एसिड, इसको हम सोल्ट हाइड्रोक्लोरिक HCl से हम इसको रीजनरेट करते हैं, SAC को, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटायन को, और जो अनायन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक अनायन, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रीजनरेट करते हैं। अब जब हम वाटर को इससे पास करते हैं तो इसके अंदर जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं और आगे जो इसमें निगेटिव आयन होता है वो यहाँ पे रुक जाते हैं, SBA में जो है रुक जाते हैं। तो इसके बाद क्या है कि यहाँ से हमने इम्प्योरिटीज को और कम कर लिया, तो टीडीएस जो है और कम हो जाता है। यहाँ पे टीडीएस जो है 10 के करीब आ गया, 15 के करीब आ गया, जनरली 10 से नीचे ही आता है। क्योंकि हमें जीरो टीडीएस चाहिए तो हम क्या करते हैं कि फिर उसके बाद मिक्स्ड बेड प्लांट लगाते हैं। अब वाटर गया और यहाँ से फिर क्या है मिक्स्ड बेड प्लांट में क्या करते हैं कि हम नीचे जो है कैटायन लगाते हैं, फिर एनायन लगाते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं ब्लोअर लगा दिया। अब क्या है कि ये जो है सिस्टम, यही दोनों सिस्टम को एक कर दिया गया है इसमें मिक्स्ड बेड प्लांट में। तो यहाँ पे ब्लोअर चलाते हैं तो ये फिर वही प्रोसेस एक ही प्लांट में एक ही वेसल में हो रहा है। पहले जो इसमें की इम्प्यूरिटीज बची हैं उसमें से निगेटिव इम्प्यूरिटीज, पहले जो पॉजिटिव इम्प्यूरिटीज हैं उस वो यहाँ पे रुक गई, निगेटिव इम्प्यूरिटीज फिर यहाँ पे रुक गई। उसके बाद जो है वाटर, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बच रहा है वो निकल जाता है ऊपर, इसीलिए हम ब्लोअर चला रहे हैं यहाँ पे। और जो है ट्रीटेड वाटर जो है यहाँ पे फाइनल ट्रीटेड वाटर मिल गया। तो ये जो फाइनल ट्रीटेड वाटर मिलता है इसका जो टीडीएस होता है वो हो जाता है 0। तो जिन जिन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हम डीएम प्लांट लगाने के बावजूद भी हमें 0 टीडीएस नहीं मिलता वहां पे हम डीएम प्लांट के बाद एमबी प्लांट मिक्स्ड बेड प्लांट लगाते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे जो है आरओ प्लांट है, देन डीएम प्लांट है, देन मिक्स्ड बेड प्लांट है। ये प्लांट ऑलरेडी वर्केबल है जो कि 0 टीडीएस दे रहा है। इसमें जो है वाटर को पहले हमने टीडीएस को आरओ से कम किया, फिर उसके बाद हमने डीएम से कम किया, उसके बाद हमने मिक्स्ड बेड प्लांट लगा के वाटर को ट्रीट किया और बाद में फाइनल ट्रीटेड वाटर मिला।